तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गुंबद में जहाँ पे बताया जाता है बहुत कुछ। लेकिन कहानी बताने से पहले मैं आपको जगह दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुत्तों के भोंकने की आवाज़ आ गई। ये दो मज़ार बनी हुई है यहाँ पे, और ये पूरा गुंबद ऊपर की तरफ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरा गुंबद कितना बड़ा है। लाइट को थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखिए ऊपर तक। और चलते हैं इस तरफ। ये बताया जाता है कि 300 साल पुराना ये गुंबद है और उससे भी ज़्यादा। आज तक यहाँ की कहानियाँ किसी को नहीं पता, इसकी बैक स्टोरी नहीं पता किसने बनवाया था। लेकिन यहाँ पे जिसकी मज़ार है उसका नाम मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, ये देखिए कितना बड़ा ये गुंबद बना हुआ है। और ऐसे काफ़ी सारे गुंबद हैं लेकिन सब अलग अलग जगहों पे हैं, उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। और रात को यहाँ पे आने की कोई हिम्मत नहीं करता, दिन में लोग भले ही यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपना टेक ओवर ले रखा है, ये गवर्नमेंट के अंदर आता है। लेकिन दिन में यहाँ पे केयर टेकर रहते हैं, लोग आते जाते हैं। शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं भटकता। उसके बाद एक कहानी और है जो मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोकेशन को देख लो, फिर आपको कहानी बताते हैं। ये कितना पुराने ज़माने में बना रखा है, इसकी दीवारें इस बात का सबूत हैं। और ये देखिए ऊपर की तरफ देखिए, जो इसकी नक्काशी है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलग है। ऊपर की तरफ देखिए और इस तरफ देखिए ऊपर। ये इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट किया गया था क्योंकि ये टूटने को पड़ रहा था। और ये है यहाँ की सबसे बड़ी मज़ार, जो बताते हैं लोग यहाँ के, वो कहते हैं कि बंकत नवाब जी का यहाँ पे मज़ार को बनाया गया। उनकी मज़ार है यहाँ पे, बंकत नवाब होया करते थे मुग़लों के टाइम पे। उनकी और उनकी वाइफ की दोनों की मज़ारें यहाँ पे हैं। बताया जाता है कि युद्ध में, किसी पुराने टाइम में युद्ध में उनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद उनके जितने भी सेना के लोग थे, सेनापति थे, वो उनको यहाँ पे लेके आए और उनको यहाँ पे दफना दिया। उसके बाद से एक फोर्ट भी था यहाँ पे, लेकिन वो पूरा ज़मीन में धस चुका है और वो उसकी छोटी छोटी वॉल्स हैं, लेकिन वो थोड़ी सी दूर है। लेकिन उनकी याद में और उनके लिए यहाँ पे उनके परिवार के लोगों ने उनकी मज़ारें यहाँ पे बना दी। और पहले तो ये गुंबद, ये जगह काफ़ी चहल पहल वाली रहती थी। यहाँ पे वो आते थे, जो भी मुस्लिम कल्चर में चीज़ें होती हैं तो वो रिचुअल्स फॉलो करते थे यहाँ पे आके। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब धीरे 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 समय बदलता गया, उसके बाद से कुछ आवाज़ आई है। जैसे जैसे समय बदलता गया उसके बाद से यहाँ पे लोगों को डर लगने लग गया, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पे डरने लगे। वो कहते थे कि यहाँ पे घूमता है बंकत नवाब जी की, पर इस तरफ आ जाना। वो कहते थे कि यहां पे घूमते हैं बंकत नवाब जी की आत्माएं, भटकती है और कई लोगों को दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद काफी पीर लोग यहां पे आए, उन्होंने यहां पे जांच पड़ताल की, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहानी कुछ और है यार। कुछ ये देखिए, ये डॉग एकदम इस मज़ार पे आ गया, तो ये बड़ा, ये देखो आवाज़ करे जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्या ये कोई साइन है? अब ये दूसरी मज़ार पे था। तो उन्होंने जांच पड़ताल करी, यहाँ पे देखा कि वो नहीं है, ऐसा जो लोग बताते हैं वो झूठ है। लेकिन जब उन्होंने यहाँ की सच्चाई पता करी तो ऐसा कहा गया कि यहाँ पे घूमते हैं जिन्नात, जिन,
जो करते हैं यहाँ की रखवाली और यहाँ पे किसी को भटकने नहीं देते। वो अलग अलग रूप में लोगों को देखते हैं, कभी जानवर के रूप में, कभी इंसान के रूप में। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना था कि उन्होंने काफ़ी बड़ी हाइट का एक इंसान देखा है इस गुंबद में। और रात को छत पे, अभी हम छत पे तो नहीं जा सकते, आपको दिख रहा होगा ये पूरी मरम्मत हो रही है तो ऊपर का रास्ता बंद कर रखा है। तो कहते हैं कि यहाँ पे रात को वो छत पे नजर आते हैं बड़े बड़े हाइट के इंसान, बड़ी बड़ी एक्चुअली थोड़ी देर डीजे भी बज रहा है क्योंकि शादी है और हम जंगलों के बीच में इस गुंबद में आए हैं रात को, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं अपनी स्टोरी को बार बार रोक रहा हूँ, क्योंकि अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आते हैं छत पे खड़े हुए, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो देखिए, ये दो मज़ार मैंने आपको दिखा दिए हैं और कितना बड़ा है मैं आपको दिखा देता हूँ। चमकादड़ हो सकते हैं और ये भी है एक पोर्शन। और इधर भी आ जाइए, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे शादी हो रही है तो वो इस वजह से आवाज़ें आ रही हैं और इसका हो रहा है। और ये है इसका फ्रंट एरिया, पूरा फ्रंट एरिया इसका ये है। देखिए कुछ ना कुछ आवाज़ें बार बार आ रही है। फिर से हम उसी जगह पे आ गए, ये चारों तरफ से ओपन है। और एक छोटी मज़ार जो है, जो आपको मेरे सामने दिखाई दे रही है, वो उनके बच्चों की है। जब उनके बच्चों की डेथ हुई उसके बाद उनको भी वहाँ पे दफना दिया गया। तो अब करते हैं इन्वेस्टिगेशन, देखते हैं क्या वाकई में यहाँ पे जिन्नात हैं या कोई और आत्माएँ हैं जो भटक रही हैं, जो लोगों को दिखाई देती है। तो हम अपने घोस्ट डिवाइस को यहाँ पे रखते हैं, उसको निकाल लेते हैं और थोड़ा सा लाइट को कम कर देते हैं। थोड़ा सा लाइट को लो कर देते हैं। क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख रहा है, सुन रहा है? अगर है तो इस लाइट के पास आए, अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो इसमें लाल कलर की लाइट चलेगी। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या करके दिखा सकते हैं? ये लाइट मैंने आज बंकर नवाब जी की मज़ार के पास रखा है। तो अगर यहाँ पे बंकर नवाब जी की आत्मा भटकती है इस गुंबद में, जैसा कि लोग कहते हैं, और अगर ये सच है तो आप इस लाइट के पास आएं। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो इस पे लाल लाइट जलेगी और मुझे आपके होने का एहसास होगा। मैं आपकी परेशानी जानने आया हूँ, मैं आपके भटकने का कारण यहाँ पर जानने आया हूँ, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे अपने होने की उपस्थिति महसूस करा सकते हैं। क्या कोई जिन है यहां पे? अगर जिन है, कोई जिन्नात है यहां पे, जैसा कि लोग कहते हैं कि आप यहां पे भटकते हैं, इस गुंबद की छत पे दिखाई देते हैं, लोगों को अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं, अगर ऐसा है तो आप इस लाइट के पास आइए। क्या कोई जिन है यहाँ पे जो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है? अगर ऐसा है तो आप इस लाइट के पास आएं। अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो इस पे लाल कलर की लाइट जलेगी और मैं आपके होने का एहसास कर सकूंगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं? जो जिन यहाँ पे लोगों को दिखाई देते हैं, अगर वो आज इस
गुंबद में है, इस मज़ार के पास हैं, तो क्या वो इस लाइट के पास आ सकते हैं? ऊपर कुछ आवाज आ रही है जैसे कि वो एक पानी चल रहा हो, या हो सकता है चमगादड़ भी हो ऊपर की तरफ। ओ ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कबूतर है। मेरे को मुझे लगा चमगादड़ होंगे लेकिन कबूतर है। क्या यहाँ पे बनकर नवाब जी की पत्नी की आत्मा भटक रही है? क्या वो आप हैं? अगर आप हैं तो इस लाइट के पास आएं, और अगर आप इस लाइट के पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। इस पे लाल कलर की लाइट चलेगी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर यहाँ पे बनकर नवाब जी की बेगम की आत्मा भटकती है तो वो भी इस लाइट के पास आ सकती है। देखिए जब भी कुछ ऐसी जगहों पे मैं आज तक गया हूँ और मुझे कभी कोई ऐसा साइन नहीं मिलता, तो अलग अलग पक्षी, अलग अलग जानवर किसी दूसरे तरीके से मुझे साइन देते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये नेगेटिविटी का साइन नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है? कई बार मुझे ऐसा लगा है कि ये साइन हो सकता है, कई बार नहीं भी। और आपको क्या लगता है प्लीज आप भी कमेंट करके जरूर बताना। क्या कोई मुझे देख सकता है, सुन सकता है, या कोई और आत्मा, किसी और इंसान की आत्मा जो यहां पे भटक रही है? अगर वो भी है तो इसके पास आए, आप इसके पास आएंगे तो मुझे आपके होने का एहसास होगा। इस तरफ चलते हैं एक बार। एक बार पूरी रोशनी के साथ मैं आपको एक गुंबद दिखाना चाहता हूं जहां पे वो लोग दिखते हैं, और सामने वो डिवाइस आपको जलता हुआ नजर आ रहा होगा। पूरी रोशनी के साथ ये देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, बहुत बड़ा ये गुंबद है मेरे पूरे लेफ्ट में, राइट में। और लाइट को लो कर देते हैं, बिल्कुल लो, और देखिए वो मज़ार के पास डिवाइस रखा है। तो चलते हैं उस तरफ फिर से। क्या कोई है जो मुझे यहाँ पे देख रहा है? अगर कोई जिन्नात है जो यहाँ पे लोगों को दिखाई देता है इस गुंबद के ऊपर, क्या आप हमारे सामने आ सकते हैं? मेरा यहाँ आने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बस मेरा आने का मकसद ये है, जैसा कि लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे किसी की आत्मा भटकती है या जिन्नात भटकता है और वो यहाँ गुम्मत पे राज करता है, तो अगर आप यहाँ पे हैं तो इस लाइट के पास आएं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कुछ आवाज तो आ रही है, पता नहीं वो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन कुछ आवाज तो आ रही है। कुछ आवाज आ रही है ना, चट चट देखो।
अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो इस स्लाइड के पास आ सकते हैं, एक बार जवाब दे दीजिए मेरे प्रश्नों का, मेरे क्वेश्चंस का। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो एक बार आप इस स्लाइड के पास आ जाइए। एक बार फिर से पूछता हूं, अगर यहां पे कोई भी है जो मुझे देख रहा है सुन रहा है वो इस लाइट के पास आए, कोई आत्मा या कोई जिन्नात जो इस मजार के पास भटकता है घूमता है, या वो बंकत नवाब जी की भी आत्मा है, तो क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं? कोई भी साइन मुझे नहीं मिल रहा है और मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर दूँ, लेकिन मेरे सवाल फिर भी जारी रहेंगे। मैं फिर भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, और मैं सवालों को कंटिन्यू रखूँगा। पर मैं यहाँ पे रुकूँगा अभी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने कहा है, बताया है कि यहाँ पे लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई देता है, महसूस होता है, तो उसकी सच्चाई आज ये सागर तिवारी यहाँ से जान के जाएगा। और अगर आज भी मुझे यहाँ पे ये जवाब नहीं मिले तो मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा। मुझे यहाँ का सच इसलिए जानना है क्योंकि गांव के लोग यहाँ पे आने से डरते हैं। कई सालों से यहाँ का जो डर का माहौल इस गुंबद का फैला हुआ है इस आसपास के गांवों में, खेतों में, तो क्या सच है यहाँ का? मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक लोकेशन बताई थी, और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ क्या है, क्योंकि यहाँ के गांव के लोग और बहुत सारी बातें आप शायद समझ सकते हैं जो मैं मुंह से नहीं बोलना चाहता। उनको हर्ट होगा कि मैं ऐसी जगह पे आके ये सब काम कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी जॉब है, ये मेरा काम है ऐसी भूतियाओं जगहों के बारे में, जैसा कि लोगों ने कहा है, वहाँ का सच दिखाना, सच बताना। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और आपने देखा कि ये काफ़ी सालों पुरानी जगह है, और मैं लाइट हर जगह नहीं दिखा सकता क्योंकि आसपास गांव है, अगर किसी को पता चल गया तो शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या हो सकता है हमारे साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, पैरानॉर्मल बाय सागर एस तिवारी 827 मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है, एस तिवारी 827 मेरा स्नैपचैट हैंडल है, उस पर मुझे फॉलो कर लीजिए, सो डैट आपको मेरी हर एक अपडेट्स रहे कि मैं कहाँ, कौन से देश में, कौन सी सिटी में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। और आप भी मुझे लोकेशन शेयर कर सकते हैं, एंड अगर किसी की भी कोई भी परेशानी है, भूत प्रेत, किसी को कोई पूजा करानी है, तो ये सागर फाउंडेशन का नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी परेशानियों से आपका पीछा छुड़ा पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। तब तक मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं इस वीडियो को एंड नहीं करूँगा, मतलब वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ से जाऊँगा नहीं। लास्ट में डाल देंगे।